और उससे पीछे एक और बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। जहां पर आपको बता दें ये बड़ी खबर, भरतपुर के रूपवास में बड़ा हादसा हुआ है। भरतपुर के रूपवास में बड़ा हादसा हुआ, घरों में दौड़ा है हाई वोल्टेज करंट, घरों में दौड़ा है हाई वोल्टेज करंट, एक महिला समेत दो लोगों की मौत भी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है। महलपुर काछू के घाटा गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर के रूपवास में यह बड़ा हादसा हुआ, घरों में दौड़ा है हाई वोल्टेज करंट और एक महिला समेत दो लोगों की भी मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है और महलपुर काछू के घाटा गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो घरों में दौड़ा है हाई वोल्टेज करंट, ये बड़ी खबर अहम जानकारी। एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर अहम जानकारी, भरतपुर के रूपवास में बड़ा हादसा जो यहां पर देखने को मिला है, घरों में दौड़ा है हाई वोल्टेज करंट। ये बड़ी खबर अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला जो है, वो प्रकरण जो है वो सामने आया है और एक अन्य महिला जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है। ये बड़ी खबर अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। महलपुर के पास की पूरी घटना है और भरतपुर के रूपवास में बड़ा हादसा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़े हुए। प्रमोद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सचिन, ये जो मामला है ये ग्राम पंचायत मेलपुर काछी के गांव जो हमारा घाटा है उसका है, जहां पर हाई वोल्टेज का करंट दौड़ गया है जिससे एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला को जो उनके परिजन है उनको भरतपुर ले गए हैं। बिल्कुल, ऐसे में अब जिस तरीके से कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ कार्रवाई अभी होनी यहाँ पर बाकी है? फिलहाल अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पोस्टमार्टम थोड़ी बहुत देर में हो रहा है। बाकी लोगों का आरोप है कि जो तार है वो काफी नीचे है, इसी वजह से ये जो हादसा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।